भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने उत्सव और पर्व को अपने परंपरा और संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। दिवाली हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है, जिसको सभी अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों के साथ पूरे उत्साह से मनाते हैं। दीपावली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो व्यापक स्तर पर की जाती हैं। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। यह त्यौहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस दिन बाजारों को एक दुल्हन की तरह रोशनी से सजाया जाता है, ताकि वह इसे एक अद्भुत त्यौहार दिख सके। इस दिन बाजार बड़ी भीड़ भाड़ से भरा होता है, विशेष रूप से मिठाइयों की दुकानें। बच्चों को बाजार से नए कपड़े, पटाखे, मिठाई, उपहार, मोमबत्तियाँ और खिलौने मिलते हैं। लोग अपने घरों को साफ करते हैं। इस शुभ अवसर पर बाजारों में भगवान राम, गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि की मूर्तियों को खरीदारी की जाती है। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। लोग अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि व्यापारी दिवाली के पर्व पर नई खाता बही की शुरुआत करते हैं। लोग दिवाली के त्यौहार के दौरान अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे चलाकर बहुत खुश होते हैं। दिवाली जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व के पावन अवसर पर भी कुछ असामाजिक तत्व अपने निरंतर प्रयास, जैसे शराब का सेवन, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल से खराब करने में जुटे रहते हैं। अगर समाज में दिवाली के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए, तो दिवाली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। दीपावली अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे संसार को प्रकाशमय बनाने का त्यौहार है। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार बम, फुलझड़ियाँ तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं और आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि दिवाली के
त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम और सुख समृद्धि से है। ऐसे में पटाखों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक और अपने बड़ों के सामने रहकर करना चाहिए। दिवाली का त्यौहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दिवाली का त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्यौहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है।